बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई अपडेट ये है कि सऊदी अरबिया में भीख मांगने के ऊपर अभी एक नया कानून मुतारफ करवा दिया गया है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल के साथ। पहले आपने देखा होगा यहाँ पर अक्सर भिखारी आपको दिखाई देते होंगे। अच्छा, मैं मदीना मुनव्वरा में था, एक मैंने पाकिस्तानी को देखा है और उसने कमीज़ उठाई, मुझको नीचे से कुछ दिखाया, ऐसे खुद से ड्रामा किया हुआ था, मुझको बोल रहा है कि मुझको मेरी मदद करो, ये है वो है, तो लोगों से पैसे मांग रहा था। ना उसके पास कुछ बल्दिया की परमिशन वगैरह थी, जो कि पेपर आपको पता है बल्दिया अक्सर देती है कि कुछ बंदों को जिनको वाकया ही किसी ज़रूरत के तहत या किसी मजबूरी की वजह से लोगों से पैसे मांगने पड़ते हैं। वरना इसके अलावा जितने भी बंदे हैं उनके ऊपर एक नया कानून मुतारफ करवा दिया है। कानून क्या है? कोई भी ऐसी औरत या मर्द, अच्छा जद्दा बनीबाग से इस वक्त मैं लाई हूँ, यहाँ पर कुछ भिखारी मैं ज़्यादा ही देख रखा हूँ, तो कोई भी ऐसा मर्द या औरत जो भीख मांगते हैं, चाहे वो कोई गैर मुल्की है, परदेसी है या यहाँ का रहने वाला है, तो उसके ऊपर भाई 6 माह की कैद और 50,000 रियाल का फ़ाइन है। जी, 6 माह कैद और 50,000 रियाल का फ़ाइन। और इसके अलावा वो बंदा जो इनको भाई रखता है, यानी कि इनको होल्ड करता है, इनको कहीं छोड़ना है किसी इशारे के ऊपर या कहीं और, वो छोड़कर आता है, इनको रहाइश में रखता है, इनके खाने पीने का सारा निज़ाम सेटअप करता है, यानी कि इनसे मंथली इनसे उस बंदे ने बातचीत की हुई है या अपना कमीशन वगैरह रखता है दरमियान में से, तो उस बंदे के ऊपर 1 लाख रियाल का फ़ाइन और 1 साल की कैद है। मांगने वाले के ऊपर 6 माह कैद, 50,000 का फाइन है, और रखने वाले के ऊपर भाई 1 लाख रियाल का फाइन और 1 साल की कैद है। ये एक नया कानून मुतारफ करवा दिया गया है सऊदी अरेबिया में, जो मैं के समझता हूँ बहुत अच्छा किया गया है। ये उन बंदों के लिए नहीं है भाई जिनके पास वो वर्का होता है बल्दिया की तरफ से, कि ये बंदे किसी मजबूरी के तहत पैसे मांग सकते हैं।